हाई एवरी वन वेलकम बैक टू डेष एंड मैडिकेशन हम आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द इंडो ग्रीक्स पेक्ट्रियन ग्रीक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी बिकॉज मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं था और मुझे इंटरनेट जॉब के लिए भी चाहिए था बट आई आश्योर यू इस हफ़ते हम डेली ही क्लास करेंगे सो so दैट आपका जो स्किप हुआ है फ्राम द लास्ट वीक वो पूरा कम्प्लीट हो जाए इसके अलावा अगर मैं बिल्कुल पीछे जाऊँ तो वहाँ पर हमने देखा था अबाउट द संगर्स सुंगस के बाद किस तरह से कनवास आए तो वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आज जो हमारा फोकस रहेगा इंडो ग्रिक्स या फिर इनको बैक्ट्रियन ग्रिक्स भी बोला जाता है इनके ऊपर तो ये सारे जो हैं वो कंटेम्प्रेरी ही देखने को मिलेंगे हमें टू द सुंगस हम देखेंगे तीन किंग्स के बारे में यहाँ पे मेनली आज नंबर वन वर्स टी नंबर टू वॉज म्यांदर ये वही म्यांधर हैं जिनके ऊपर बुक लिखी गई थी मिलिंद पानो और मिलिंद पानो जो थी दैट वॉज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन म्यांधर किंग एंड नागसेन किस तरह से म्यांंदर बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे एंड जो थर्ड किंग आएंगे वो आएंगे हारमियस ठीक है इन तीनों के बारे में हमें आज के लेक्चर में देखना है बट बिफोर प्रोसीडिंग डायरेक्टली टू द दीज किंग्स हमें थोड़ा सा बेस देखना है कि कैसे ये इंडो ग्रीक्स ऑरिजिनेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग अगर आपको पी चाहिए होगा तो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको सारी पी मिल जाएंगे पिछले भी और जो अभी करंट लेक्चर्स चल रहे हैं उनके भी चलिए स्टार्ट करते हैं व इंडो ग्रीक्स या जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोला जाता है बिल्कुल पीछे चलते हैं तो अलेक्जेंडर के पास चले जाते हैं अलेक्जेंडर आए थे इंडिया को इन्वेड करा था हम देखते हैं 323 ट्वेंटी के आसपास इनकी डेथ हो जाती है और जब अलेक्जेंडर आ गए ना इंडिया तो उसके बाद बहुत सारे ग्रीक्स आने लगे अच्छा ग्रीक्स जो होते हैं ना इनके लिए एक टर्म यूज़ होती है हेलेनिस्टिक इनकी एंसेस्ट्री के बेसिस पे इनके जो पूर्वज थे उनके बेसिस पे तो इनको हेलेनिस्टिक भी बोला जाता है और इनकी जो एयर फोर्स है ना उसका नाम भी हेलेनिस्टिक के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो कई बार आप सी डी एस एफ कैट के एग्जाम अगर देते हो तो उसमें ये टर्म्स देखने को मिलती हैं दैट्स आई एम टेलिंग यू तो हेलेनिस्टिक कहीं ना कहीं टर्म किससे रिलेटेड है आपके ग्रिक्स से तो बहुत सारे ग्रिक्स आने लगते हैं आफ्टर द इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर टुअर्ड द इंडिया पर इंडिया के एक्चुअल जो आज का इंडिया है वहाँ पे ये कॉन्कर नहीं कर पाते हैं तो कौन सा एरिया कॉन्कर करते हैं कहीं ना कहीं हिंदू कुश माउंटेन से पीछे और माउंटेन से पीछे ये आपका अगर इंडिया है तो दिस इज़ द पाकिस्तान दिस इज़ द अफगानिस्तान वाला एरिया तो ये जो अफगानिस्तान वाला एरिया था दैट वॉज़ हाईली इन्वेडेड बाय द ग्रिक्स ठीक है तो यहाँ पे एक किंगडम एस्टेब्लिश होता है जिसका नाम था बैक्ट्रिया क्या बोलते हैं इसको बैक्टरिया तो अगर बैक्टेरिया की भी स्पेसिफिकली बात करें कि कहाँ पे लाया करता था तो ये था आपके नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान का नॉर्थ वाला एरिया है एक तो वहाँ और साथ में इसके ऊपर से एक रिवर जाती थी जिसका नाम था ऑक्सस है साउथ ऑफ ऑक्सस तो दिस इज द रिवर और इसके साउथ में पड़ता था और अगर हिंदू कुश के कॉन्टेक्स्ट में बोलें दि आर द हिंदू कुश माउंटेंस अगर हिंदू कुश माउंटेंस की कॉन्टेस्ट में बोलें तो उसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है तो दिस इज़ द बेक्ट्रिया किंग्स किसने ये एस्टेबलिश करा तो ये जो ग्रीक्स आते थे हेलेनिस्टिक लोग आया करते थे ठीक है अब देखो ये जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे इनकी भी एक स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हेलेनिस्टिक नाम ही इसलिए पड़ा इनकी एंसेस्ट्री के बेसिस पे जो इनके पूर्वज हुआ करते थे उनके नाम पे ठीक है तो ये बोला जाता है कि ओरिजिनली तो आपके ये बैक्ट्रियंस या फिर जो ये ग्रीक्स थे इंडो ग्रीक्स थे ओरिजिनली तो ये सेट्रैप्स थे जो इनकी ओरिजिनल लेनीज थी ठीक है जो ओरिजिनल थे पर हुआ क्या जो सेलिसिड एम्पायर हुआ करता था उसी टाइम पे था सेलिसिड एम्पायर भी जो वेस्ट एशिया का एरिया पड़ता है वहां पे लाया करता था एम्पायर तो ये बोला जाता था कि ये में रहते थे यानी कि सेलि... एरिया तो इनका ही था जो बैक्ट्रियन थे पर हुआ क्या सैल्यूसिड एम्पायर इनके ऊपर रूल किया करता था तो इनके सुज्रीति में रहते थे ठीक है मतलब वहाँ पे भी राजा होगा पर राजा के जो राजा होगा वो किसी और राजा को फॉलो करेगा जो उससे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डायोडोटस हुआ करता था थोड़ा सा और पीछे चलते हैं डायोडोटस हुआ करता था तो जो डायोडोटस था ही वॉज द गवर्नर ऑफ बैक्टेरिया और ये बैक्टेरिया में उस टाइम पे कौन रूल किया करता था यानी कि सेलिसिड एम्पायर का जो राजा था मेनली वो था एंटीओकस तो इन शॉर्ट जो डायोडोटस वन था ही वॉज द गवर्नर ऑफ एंटीओकस एंटीओकस कौन था तो ही वॉज द सेलिसिड किंग बट डाय डायोडोटस को लगा कि हम जब बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं देन वाई वी नीड टू फॉलो द एंटीओकस ये रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं एक अगेंस्ट द एंटीओकस और जैसे ही रिवोल्ट खड़ा करते हैं तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आती है बैक्टीरिया की ठीक है इस तरह से बैक्टीरिया जो था वो पूरी तरह से एक फुली फ्लेश्ड किंगडम जो है वो तैयार होकर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डायोडोट्स वन ठीक है जी इतना यहाँ भी देख लिया फिर इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ इसी टाइम पे एक और चीज़ जो है वो हैपन करती है वो क्या थी देखो अगेन उस टाइम पे तो अखंड भारत हुआ करता था अभी मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ आपको इस तरह से ताकि क्लैरिफिकेशन रहे थोड़ी ठीक है ऐसे था कुछ उस टाइम पर लेमन में बनाया सो हाथ से बनाया है ना तो देर इज़ नो नीड टू मॉक एनी चलो आ जाओ फिर यहाँ पे आ जाते हैं पाकिस्तान वाला एरिया यहाँ पे आ जाते हैं अफगानिस्तान वाला एरिया यहाँ पे हम देखते हैं एक ट्राइब्स हुआ करती थी नोमैडिक ट्राइब्स जिनको बोलते हैं साइडियन ट्राइब्स ये जस्ट बेसिक है आपको जहाँ पर सुटेबल लगेंगे पॉइंट्स वहाँ पे आप इनको ऐड कर सकते हैं तो ये जो साइडियन ट्राइब्स हैं ये नॉर्थ वेस्ट से चलना शुरू होती है टूअ द चाइना वाला एरिया यहाँ पर फिर हमने देखा था कि किस तरह से चाइना में जो उस टाइम रूलर हुआ करता था जी जी करके तो उसने क्या किया यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवा दी अब जब यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई तो ये साइडियन ट्राइब्स क्या करने लगे पीछे हटने लगे और जब पीछे हटने लगे तो यहाँ पे आए इस वाले एरिया में संगजाज हुआ करते थे काफ़ी स्ट्रॉग थे संगजा ने इनको दोबारा धकेल दिया तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में आ जाते हैं जो आपके साइडियन ट्राइब्स थे थी। ठीक है तो ये भी चीज़ यहाँ पर हैपन कर रही थी ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं तभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो इस तरह से चाइनीज़ वॉल जो थी इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ ये वापस आ गई तो जब वापस आई तो ये कही न कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में रहने लगी पर होता क्या है यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम पे था यहाँ पे किंग अशोका हाँ अशोका भी थे एक टाइम पे ये भी चीज़ याद रख सकते हो हुआ क्या था देखो संगस तो रिटेलिएट करेंगे जैसे ये चाइना जा रहे थे तो चाइना के रिसोसेज़ ही यूज़ कर रहे थे और जब इनके रिसोसज़ यूज़ करते थे तो चाइना को गुस्सा आ गया कि ये क्या हमारे रिसोसज़ यूज़ कर रहे हैं ऐसे तो हमारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे दे मेड दिस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और जैसे ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी तो ये वापस आने लगते हैं यहाँ पर एक्चुअली अशोक थे उस टाइम पर अशोका ने ना ध्यान नहीं दिया कि इस तरह से ट्राइब्स जो हैं वो भी आ रही हैं जा रही हैं फ्राम द इंडिया तो अशोक की थोड़ी सी लापरवाही बोल सकते हैं इसी वजह से ये ट्राइव जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और किसके टाइम पे आती हैं ज़्यादा सुंगस के टाइम पे ठीक है तो ये कहीं ना कहीं हमें कंटेम्प्रेरी देखने मिलेंगे इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये ध्यान में रखना थोड़ा थोड़ा ठीक है और अलेक्जेंडर जो थे वो हमने देखा था किस तरह से कॉन्कर करते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया कैसे वो अयोध्या और पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे बट फिर वापस चले गए थे

मेमोराइज़ एवरी थिंग यहाँ पर जस्ट मैंने बताया कि किस तरह से जो ट्राइब्स थी वो प्रेशर क्रिएट कर रही थी नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो है कि अराउंड फोर्टी टू ग्रीक किंग्स जो थे वो इंडिया में आ चुके हैं स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो कि आज का अफगानिस्तान है कैसे पता चलता है फ्राम द गोल्ड कॉइंस अब क्या है कि इन्होंने फर्स्ट ईशू करे थे इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइंस जस्ट बिकॉज इनके जो कॉइंस थे उसके ऊपर मिलती थी हमें रूलर्स की इमेज ठीक है इनकी इमेजेस देखने को मिलती हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि येस ये लोग पहले इंडिया को इन्वेट करने लगे थे डा सो so, अब आते हैं जो एक्चुअल किंग आते हैं ड्यूरिंग दिस बैक्ट्रियन रूल तो वो हैं डिमेट्रियस तो इनको बोला जाता है किंग ऑफ बैक्ट्रिया ठीक है अब चला एक्चुअल रूल अब डिमेट्रियस उसके बाद आएंगे म्यांधर म्यंदर के बाद आ जाएंगे आपके हर्मियस तो वन बाय वन देखेंगे उसके बाद इम्पैक्ट क्या रहा इंडो ग्रीक्स का वो चीज़ भी हमें देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी मेट्रियस सो ही वॉज द किंग ऑफ बैक्टीरिया और साथ में इन्होंने इन्वेजन कब करा है इंडिया के अंदर तो वन नाइनटी बी सी के आसपास वन नाइनटी बी सी ई ही इन्वेडेड इंडिया ज्यादा एरिया तो कॉन्कर नहीं कर पाए थे बट यस ये बोल सकते हैं कि अप टू हिंदू कुश माउंटेन्स जो हिंदू कुश माउंटेन्स है ना वहां तक ये कहीं ना कहीं एरिया कॉन्कर कर लेते हैं ठीक है हिंदू कुश माउंटेन और ये बोला जाता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था विद पुष्यमित्र मित्र कहीं ना कहीं इनका पंगा हो जाता है पुष्यमित्र मित्र सुंगा से बट ये क्या करते हैं ज़्यादा एरिया कॉन्कर नहीं कर पाते तो दिस इज इट अबाउट द डिमेट्रियस डिमेट्रियस के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं ये वस द मियांदर जिनको मिलिंद भी कहा जाता है मिलेंद्र भी कहा जाता है अब ये बोला जाता है इन्होंने ना सिर्फ इंडो ग्रीक रूल को इंडिया के अंदर स्टेबलाइज करा बट बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कॉन्कर भी करते हैं ये कौन कौन से एरियाज़ कॉन्कर करे थे बिकॉज वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा एक तो आ जाता है आपका अफगानिस्तान वाला एरिया ठीक है और साथ में आ जाता है आपका दूसरा एरिया कांधार वाला एरिया कांधार भी लिखते हैं इसको और गंधार भी लिखते हैं ठीक है आज आपको गंधार ही मिलता है तो ये वाले एरियाज जो थे देवर बाय द मिलिंद या जिनको मियांदर भी कहते हैं इसके अलावा बोलते हैं कि ये एरिया तो कॉन्कर किए ही थे बट इसके साथ में और भी इन्होंने एरियाज कॉन्कर करे थे जिसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है कई कहते हैं कि इन्होंने गंगा यमुना द्वाब भी कॉन्कर किया था फिर कहीं बोलते हैं कि गंगा यमुना द्वाब तो कर लिया था इन्होंने कॉन्कर बट थोड़े टाइम के बाद ये इनसे छूट गया था ठीक है कोई और पावरफुल और इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था सकाला हो सकता है सकाला से कुछ आइडिया ना लगे बट जब मैं सियाल कोट लिखूंगी तो आपको डायरेक्ट जाना है पाकिस्तान का पंजाब वाला रीजन तो वहां पे सियाल कोट है ना जो आज का मॉडर्न सियाल कोट उसी को बोलते हैं सकाला ये बोलते थे उसको सकाला तो यहाँ पे ये अपनी कैपिटल भी एस्टेब्लिश करते हैं और इसके बाद इनको इंटरेस्ट आता है बुद्धिज्म के अंदर और जैसे इनको बुद्धिज्म के अंदर इंटरेस्ट आता है तो ये मिलते हैं नागसेन से जो नागसेन थे ही वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्ग तो ये बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जो नागसेन थे इसके साथ साथ जब ये बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलते हैं नागसेन से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में यानी कि मियांदर और नागसेन के बीच में हो जाती है कॉन्वर्सेशन जिसमें जो मियांदर है ही क्वेश्चन नागसेन अबाउट द बुद्धिज़्म और इतने ज़्यादा खुश होते हैं मियांदर उनके आंसर से कि बाद में ये अडॉप्ट कर लेते हैं बुद्धिज़्म और इसी के साथ नागसेन भी इतने खुश होते हैं इनके क्वेश्चन से वो लिख देते हैं एक बुक जिसका नाम है मिलिंद पानो कहीं जगह ओ मिलेगा कहीं जगह पे ए मिलेगा मिलिंद पानहो या मिलिंद पन्हा ठीक है दोनों ही ठीक है उसके इसमें तो मिलिंद पानो जो है इज़ द द बुक बाय जिसमें पूरी कॉन्वर्सेशन बताई गई है मिलिंद एंड ठीक है।, है अब इसके बाद हमें एक खरोश्ती इंस्क्रिप्शन मिलता है क्या मिलता है एक इंस्क्रिप्शन जिसको क्या बोलते हैं खरोश्ती इंस्क्रिप्शन जो खरोश्ती इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर इनको टाइटल दिया जाता है मिलिंद्र तो वहां से हमें पता चला कि जो मिलिंद है उनको ही मिनेंद्र भी कहा जाता था हैज बीन दिन ऑन द इंस्क्रिप्शन और इसके अलावा एक स्तूप में मिलता है स्तूप के भी एक्चुअली रैलिक्स ही बचे हुए थे अब जो बुद्धा के रैलिक्स थे वो थे स्तूप के अंडर ठीक है तो ये बोला जाता है कि कही न कहीं ना कहीं मिनेन्द्र जो है वो इस तो से एसोसिएटेड है मे भी इन्होंने बनवाया एन ऑल पर बहुत ही वेग सी लाइन है ये तो इसको आप स्किप कर सकते हो बट ये खरोश्ती इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसके बारे में हमें वहाँ पर पता चलता है तो मीनेन्द्र के बारे में पता चलता है और मीनेंदर जो है वो कौन थे मिलिंद ही थे या फिर जिनको मियांदर भी बोलते हैं इसके बाद आते हैं आपके हरमियस हारमियस जो थे ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बैक्ट्रिया लास्ट रूलर ऑफ बैक्टरिया यानी कि इस डायनेस्टी के अंदर ये सिर्फ लास्ट रूलर थे एक्चुअली हुआ क्या हर्मियस के जब रूल चल रहा था तो वहां पे पार्थियंस आते हैं और पार्थियंस इनको डिफीट कर देते हैं देखो कोई ना कोई न्यू डायनेस्टी जब भी आती है तो उसको पिछला जो रूलर होता है उसको मारना ही पड़ता है तो वही चीज यहां पर हुई पार्थियन आ जाते हैं पार्थियन सबसे पहले क्या करते हैं हर्मियस को मार देते हैं तो जो इंडो का रूल था अप टू तो द हिंदू कुश माउंटेन वो विद द हर्मियस एंड हो जाता है ठीक है कौन आते हैं पार्थियंस ठीक है इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं यहीं पे याद रख लेना उसको भी बोला जाता है कि हर्मियस तो मर गए और जो इंडो का रूल था अप टू तो हिंदू कुश माउंटेन वो भी ख़त्म हो गया बट कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखने को मिलती है एक म्यांर का लड़का हुआ करता था और उनकी वाइफ थी मियांदर एंड क्वीन अगेथो क्लिया तो मियांदर का लड़का था क्वीन अगेथो क्लिया से बहुत सारी क्वीन्स होती थी इनकी तो मियांदर का एक लड़का था क्वीन अगेथो क्लिया से जिसका नाम था स्ट्रैटो तो ये जो स्ट्रैटो थे ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये फिर भी वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में रूल करते हैं जब पार्थियंस आ जाते हैं तो वो होता है ना झटका सा लग जाता है कि हाँ कैसे किंगडम हमारा हाथ से जा सकता है तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड हियर तो ये नॉर्थ वेस्ट में अभी भी कहीं ना कहीं रूल करने की ट्राई कर रहे थे बट जो आपका गंदार वाला एरिया था वो किसको चला गया था पार्थियंस को ठीक है जो गंधार वाला एरिया था वो पार्थियंस को चला गया और उसके बाद एक शाकाज भी आते हैं थोड़ा बहुत उनको भी चला जाता है अभी देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में अबाउट द पार्थियंस एंड चाकास तो ये एरियाज़ जो हैं इन दोनों को चले जाते हैं वन बाय वन तो इसी के साथ जो है आपका इंडो ग्रिक्स का जो रूल था दैट गेट एंड ठीक है और जो थोड़ी बहुत टेरिटरी थी वो झेलम एरिया के आसपास भी मिलती है झेलम जो झेलम रिवर है आपकी वहाँ तक भी कहीं ना कहीं इन इंडो ग्रीक्स ने एस्टेब्लिश करे थे अपने जो टेरिटरीज थी पर हम देखते हैं वो क्षत्राप जो होते हैं ना क्षत्राप्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे क्षत्राप्स क्षत्राप्स के बारे में हम पढ़ते हैं एक रूलर होते हैं वहाँ पे राजू वूला तो ये दोबारा से आएगी लाइन सेम राजू वूला तो जो राजू वूला है वो कॉन्कर कर लेते हैं उसको झेलम रिवर के आसपास जितना भी एरिया था इंडो ग्रीक्स ने कॉन्कर किया हुआ वो क्षत्राप्स कर लेते हैं ठीक है इसी के साथ इंडो ग्रीक्स का हो जाता है एंड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया हर्मियस के बारे में हो गया तो एंड भी याद में रखना इसका ठीक है तो पहले आए डिमेट्रियस फिर आया आपके म्यांधर फिर आया हरमियस हरमियस के बाद म्यांधर का जो लड़का था स्ट्रैटो वो अभी भी रूल करने की ट्राई कर रहा था बट बिकॉज जो हरमियस थे उसको मार दिया था किसने जो आपके पार्थियंस थे ठीक है और बहुत सारे एरिया जो था वो पार्थियंस पार्थियंस ने कॉन्कर कर लिया था स्पेशली जो आपका गंदार या कंदार वाला एरिया था उसको तो पार्थियंस और शाकास को ये एरिया जो था वो चला गया था पूरी तरह से कहीं ना कहीं जेलम रिवर के पास में जो एरिया था वो इंडो के अंडर ही था बट उसको भी किसने कॉन्कर कर लिया क्षत्राप्स आएंगे आगे चल के तो देखो ये कश क्षत्राप्स हो गए पार्थियंस हो गए शाकाज हो गए ये सारे कंटेम्प्रेरी देखने को मिलेंगे आपको एक दूसरे को ठीक है तो क्षत्राप का एक रूलर आता है जिसका नाम था राजू वोला तो इनको ये एरियाज चले जाते हैं ठीक है जी अब इसके बाद आता है कि क्या इम्पेक्ट रहा इंडो रूल का तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो इंडो ग्रीक्स थे ये ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेट करा था और यही फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया गोल्ड क्वाइंस इशू करे ना सिर्फ गोल्ड क्वाइंस इसके अलावा और भी क्वाइंस थे जैसे कि सिल्वर कॉपर फिर निकल तो ये सारे कॉइंस भी किसने इशू करे कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक्स ने इशू करे थे ठीक है तो पर यहाँ से हमें एक चीज़ जो क्लियर हो जाती है कि जो गोल्ड क्वाइंस थे वो इंडिया के अंदर सबसे पहले किसने इशू तो किस करे? किस करे तो वो करे थे इंडो ग्रीक्स ने डू रिमेम्बर दिस थिंग और सबसे ज़्यादा किसने करे देखो फर्स्ट किसने करे तो वो करे थे इंडो ग्रीक्स ने और अगर नंबर में देखें क्वांटिटी में देखें तो वो करे थे कुशांट्स ने ठीक है कुशांट्स ने और अगर एक और चीज़ देखें क्वांटिटी में भी देख लिया हमने जो आपके गुप्ताज आएँगे आगे चल के उनका भी देखते हैं वो भी बहुत सारे गोल्ड कोइंस इशू करते हैं पर उनके घटिया क्वालिटी के थे उनकी क्वालिटी नहीं थी बट जो जुशांड थे इनकी क्वांटिटी भी थी तो क्वालिटी भी थी ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना था बट फर्स्ट जो किसने इशू करा तो गोल्ड कोइन को इशू करा इंडो ग्रीक्स ने क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नंबर इशू किया गोल्ड कोइंस का वो किसने किया था कुशाण्स ने और उसके बाद बोला जाता है थोड़ी बहुत और चीज़ें देख लेते हैं कि जो इनके हुआ करते थे ना देवर वेरी इंटरेस्टिंग ये जो इमेज है यहाँ पे दैट इज द गंधार इमेज ऑफ़ बुद्ध मतलब इंडो ग्रीक स्टाइल में ये इमेज बनाई गई थी इसलिए बोला गया इसको गंधारा इमेज ऑफ बुद्धा ठीक है चलो कमिंग बैक टू द द्वाइंस अगर इनके क्वाइंस देखें तो काफी एस्थेटिक थे एस्थेटिक मतलब सुंदर थे सुंदर आ गया तो सुंदर लिखती हूँ ठीक है एस्थेटिक कैसे थे क्योंकि इनके कॉइंस को देख के ही उस टाइम का कर्ल्ट उस टाइम का रिलीजन ये सारा पता चल जाता था फ्रॉम द कॉइंस ओनली इतनी ज्यादा उनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं थी मतलब ट्रेड वगैरह में अगर देखें उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी बट येस yes, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है दैट इज ऑफ द कर्ल्ट एंड रिलीजन तो क्या क्या कल्ट और रिलीजन देखने को मिलते हैं एक तो शिवा ठीक है शिवा के बारे में वहां से पता लगता है और साथ में भागवता भगवता सेक्ट शिवा सेक्ट भगवता सेक्ट उस टाइम पे एस्टेब्लिश्ड थे ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है फ्रॉम द इंडोगरिक्वाइंस ठीक है जी तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चल जाती हैं अब क्या होता है आपका देखो दो चीज़ें थी ये आ, ये तो मैंने बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था अब देखो अगर इसको मैं एक को बोल दूँ नॉर्थ वाला एरिया और एक को बोल दूँ साउथ वाला एरिया ये बात कहाँ पे हो रही है इंडो ग्रिक्स की और इंडो ग्रिक्स का कौन सा एरिया हुआ करता था बैक्टेरिया इस एरिया की बात तो जो बैक्टेरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें वन इज़ द नॉर्थ और दूसरा है साउथ बैक्टेरिया को नहीं करेंगे एक्चुअली वो हिंदू कुश माउंटेन पता है ना आपको तो हिंदू कुश माउंटेन का नॉर्थ और हिंदू कुश माउंटेन का साउथ यहाँ भी हमें दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं इसलिए मैंने ये चीज़ बताई अगले पेज पे करते हैं ये देखो दिस इज द हिंदू कुश माउंटेन माउंटेन की तरह बनाते हैं इसको हिंदू कुश माउंटेन ठीक है जहाँ तक आपका इंडोग्रिक्स जो है वो मतलब हाँ ये भी बोल सकते हो आप ये बैक्टीरिया वाला एरिया था इसके आगे इधर आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया आ जाता है सारा तो इसको हम दो हिस्सों में देखते हैं वन इज द नॉर्थ एंड अदर इज द साउथ नॉर्थ और दिस इज द साउथ दोनों में हमें अलग अलग सी चीजें देखने को मिलती हैं फॉर एग्जाम्पल देखो अब डिफ्रेंसिएशन देखना किस तरह से नॉर्थ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ वाले पार्ट में मुझे क्या क्या देखने को मिला वन कि गोल्ड कोइंस भी देखने को मिले सिल्वर कोइंस भी देखने को मिले कॉपर भी देखने को मिला और निकल भी देखने को मिला ठीक है पर वहीं पे भी अगर साउथ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्या मिला साउथ में मिले मुझे सिल्वर कॉपर और जो शेप थी इनकी सर्कुलर ना होके क्या थी स्क्वायर और यहाँ पे शेप क्या थी सर्कुलर ठीक है एक फीचर तो ये मिल गया दूसरा फीचर जो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज द पूरे एक तरह से ग्रीक लीजेंड्स जो थे उनकी इमेजेस देखने को मिली ठीक है डिमेट्रीज हो गए मैं अंदर हो गए उन सभी का और एक वेट स्टैंडर्ड था उन कोइंस का एक वेट स्टैंडर्ड था कितने वेट के होंगे बट वहीं अगर मैं साउथ में जाती हूँ तो वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं मिला ऑल दो यहाँ पर जो क्वाइंस थे इन पर बाइलिंगल इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है यानी कि दो दो लैंग्वेजेस कौन कौन सी एक थी आपकी ग्रीक्स और दूसरी थी खरोश्ती लगे ना कल्चर मिक्स होने खरोश्ती ठीक है एक फीचर ये याद रखो अभी मैं बताती हूँ इसमें देखना क्या है ठीक है और जो वेट स्टैंडर्ड था यहाँ पे वो इंडियन वेट स्टैंडर्ड थे जैसे इंडिया के लोग किया करते थे ठीक है अब यहां पे नॉर्थ में देखें तो यहां पे ग्रीक दैतीज हुआ करते थे जैसे कि अपोलो हो गया जियूज हो गया एथिना पर वहीं पे अगर साउथ वाले इंडो ग्रीक्स की बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलते हैं रिलीजियस सिंबल्स ठीक है एक साइड पे रॉयल पोर्ट्रेट होगा और दूसरी तरफ पे रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे अगर आप साउथ में ध्यान दो तो साउथ में कहीं ना कहीं एक तो देखो गोल्ड से डायरेक्टली पहुँच गया सिल्वर और कॉपर के ऊपर ठीक है शेप में भी चेंजेस आ गए यहाँ पे ग्रीक जो थे वो सिग्निफिकेंट थे यहाँ पे भी जब नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ की तरफ हम देखते हैं इंडिया के साथ मिक्सिंग हो रही है जो आपकी इंडो ग्रीक कल्चर्स हैं उनकी मिक्सिंग हो रही है विद द इंडियन कल्चर ठीक है तो दैट्स हाउ जो हिंदू कुश का नॉर्थ वाला पार्ट था वहाँ पे हमें टिपिकल ग्रीक स्टाइल मिलता है देखने को वहीं पे साउथ वाले पार्ट में हमें इंडिया और इंडो ग्रीक का जो स्टाइल है वो मिक्सचर या फिर मिक्सचर देखता है, देखने को मिलता है दोनों चीज़ों का ठीक है इसके बाद आगे डायरेक्टली एक मिनट दो स्लाइड्स ऐड करने दो ठीक है एक चीज तो ये क्वाइंस के बारे में सारी चीज़ मैंने बता दी आपको और जो बुद्धा जी थे उनकी भी इमेजेस बनाई गई इन द ग्रीक स्टाइल जिनको गंदारा भी बोला जाता है क्योंकि गंदार वाला एरिया इन्होंने ज्यादा कॉन्कर किया था इसीलिए इसका नाम पड़ा गंदार इमेज ऑफ बुद्धा ठीक है हेलिनिस्टिक आर्ट इन्होंने काफी फॉलो करी हेलिनिस्टिक आर्ट का मतलब है ग्रीक आर्ट ठीक है जैसे कि गंधार आर्ट वो जो बुद्धा जी की इमेज दिखाई मैंने आपको तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में वैसी इमेजेस आपको काफी देखने को मिलेंगी न्यूज में भी आया था ना काफी दो साल पहले चलो वो आपके इम्पोर्टेंस का नहीं है उसके अलावा एक बेस नगर पिलर मिलता है बेस नगर पिलर ऑफ हेलियोडोरस टिपिकल ग्रीक स्टाइल में था ये ठीक है पिलर है सेम इस तरह से एक उसके ऊपर कैपिटल होगा इन्वर्टेड बैल शेप में बैल शेप बोल सकती है और इन्वर्टेड लोटस शेप बोल सकती है और उसके ऊपर कोई ना कोई साइन होगा तो ये मिलता है हमें फिर इसके बाद एक टर्म मिलती है दैट इज होर शास्त्र होर शास्त्र जो है ये एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब होता है ठीक है और वही चीज जो है वो होर शास्त्र ये आपका संस्कृत में मिलता है और ग्रीक्स में क्या बोलते हैं उसको हॉरोस्कोप जो इंग्लिश में भी बोलते हैं ये ग्रीक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ से पता लग रहा है ना कि मिक्सिंग हो रही है कही न, कहीं ना कहीं कल्चर्स की तो इंडिया और इंडो ग्रीक्स का कल्चर यहाँ पे मिक्स होता चला फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे हमें आर्ट्स यहाँ पे मिक्स होती हुई दिखेंगी बिल्डिंग्स और क्राफ्ट्स होगी फॉर एग्जांपल एक सिटी है जिसका नाम है ए खानोम ए खानोम जो है इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिस एंड कोकचा तो बल्क वाला एरिया जो है ना वहाँ पे तो ए खान वहाँ पे हमें ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले जहाँ पे मिक्सिंग देखने को मिलती है अबाउट द अर्बन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग इस तरह से करी गई है जहाँ पे इंडियन स्टाइल भी देखने को मिला और आपका ग्रीक स्टाइल भी देखने को मिला या जिसको हेलेनिस्टिक स्टाइल भी वो हैं ठीक है इसके बाद आता है कि जो इंडो ग्रीक्स थे इन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप इंट्रोड्यूस करी इंडिया के अंदर मिलिट्री गवर्नरशिप ठीक है और मिलिट्री गवर्नरशिप के लिए एक टर्म दी गई जो कि आपको ध्यान रखना है दैट इज स्ट्रैटेगोस ये स्ट्रेटिगोस या फिर इनको सेट्रैप्स भी बोला गया Strategos या फिर सेट्रप्स दिस वॉज द मिलिट्री गवर्नरशिप ये किसने दिया आइडिया इंडियंस को तो ये दिया था इंडो ग्रीक्स ने तो गीब्यूशन आ जाए चाहे इंडो ग्रीक रूल का इंडिया के अंदर या फिर इम्पैक्ट आ जाए यू कैन मैं ठीक है जो आपको पीडीएफ होगी ये कंपाइल मिलेगी ठीक है शाकाज भी होंगे इसमें पार्थियंस भी होंगे मैं एक ही पीडीएफ बना के भेजूंगी डन तो अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर के बारे में एजस्ट होप तो इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी और अगर मिली है तो डू लाइक एंड शेयर द चैनल और साथ में सब्सक्राइब भी करो ठीक है चलिए तो यहीं पे होती है एंडिंग अपने लेक्चर की थैंक यू एवरी वन अ नाइस डे